वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे मंडे के शो में. मैं हूं अर्मिला. गुड एंड ब्राइट मॉर्निंग. मैं हूं इमरान हसन. एंड वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. हमने कहा हाँ हाल चाल नहीं पूछ ले हमसे तो किसी ने पूछना नहीं है. खैर इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और नए दिन का आगाज आपका बहुत अच्छे से हो चुका है. बहुत सारे लोगों का भाई नए दिन का आगाज बहुत ही लेट होता है. दो इट्स वर्किंग डे लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं कि जिनकी आदतें खराब हो गई हैं. मेरी भी. हाँ बहुत सारे लोगों की जो कि नहीं आपकी इसलिए नहीं हुई क्योंकि यू हैव टू गेट अप ना फॉर योर जॉब. ऑन वीकेंड्स इट्स ओके. ऑन वीकेंड्स यू कैन डू इट. बट बहुत सारे लोग हैं जिनकी नेचर में जिनकी आदत में शामिल हो गए. और अक्सर लोगों को जब एक बजे या डेढ़ बजे आप पूछे तो मैसेज आता है कि यार मैं जरा नाश्ता कर लूँ तो मैं बात करती हूँ. यस ये बहुत से लोगों की रूटीन है. आपके लोग रात को जागते हैं एंड दिन को सोते हैं. तो आई होप कि आपकी मॉर्निंग हो गई है. आपको खुश आमदीद कहते हैं. और सबसे पहले हमने सोचा कि क्या बात करें बिकॉज बुरी खबरें ज्यादा है अच्छी कम है. तो अच्छी खबरें ढूंढ ढूंढ के लाना इज अ मसला. पाकिस्तान ने कल क्रिकेट मैच जीत लिया नीदरलैंड से और इस तरीके से माफ कीजिए फाइनली क्लीन स्वीप हुई. ये बुरी खबर से अच्छी की तरफ आए थे रात के मैच में भी. कुछ बुरी खबर मिलते मिलते अच्छी खबर. पाकिस्तान थोड़ा मुश्किल में स्ट्रगल करता हुआ हमें नजर आया. हाँ वैसे स्ट्रगल करता हुआ नजर आया. अभी ये आई वंडर कि ये नीदरलैंड्स थे. अभी इसके बाद आगे जो एशिया कप होने हैं उसमें सबसे बढ़ के जी शाहीन शाह अफरीदी नहीं है. एशिया कप के अंदर उनकी नी इंजरी की वजह से वो आउट हो गए. तो ये सारी चीजें जो है फैक्टर्स बहुत ऐड होने वाले हैं. कल नसीम शाह जिनके ऊपर हमारी उम्मीदें हैं आगे उन्होंने कल 5 विकेट अपने करियर में पहली बार हासिल की और ये बड़ा अच्छा था. 2 इट वॉज अगेंस्ट नीदरलैंड्स. लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कन रही है जी. एक बार फिर बाबर आजम के अलावा कोई प्लेयर खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका. अब्दुल्ला शफीक वंस अगेंस्ट सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए. फखर जमान जिनसे मुसलसल उम्मीद की जा रही है कि वो लंबी इनिंग्स के लिए नहीं खेल पा रहे हैं और 26 रन बनाए. बाबर आजम 91 स्कोर किया उन्होंने और हम बड़े इस हवाले से दुखी भी हुए कि काश 100 और उनके क्या कहना चाहिए स्कोर में ऐड हो जाता तो हमें बहुत अच्छा लगता. लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी वाज नॉट गुड. पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहा है और एज अमला सेट के शाहीन शाह भी नहीं है तो हम कैसे उड़ेंगे. रात को मोहम्मद आमिर बहुत ट्रेंड कर रहे थे सोशल मीडिया पे शाहीन शाह अफरीदी के बाद. अक्सर ट्रेंड करते हैं लेकिन इस बार वो शाहीन शाह वो ऐसे भी है कि वो खुद ट्वीट कर देते हैं कि व्हाई एम आई ट्रेंडिंग. मतलब वो खुद ट्वीट कर रहे थे और मैंने जब देखा उसको ट्रेंड कर नहीं रहे थे. आई थॉट ही वांट्स टू बी ऑन ट्रेंड में भी नो वंडर. लेकिन स्टिल जनाब आगे बढ़ते हैं और चूंकि आज के शो में हमारे पास एज यूजुअल बहुत कुछ होता है. मंडे का शो हमारे पास पावर पैक किस्म का शो होता है एज हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं. तो जनाब आगे बढ़ते आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर. बड़ी खबर कुछ अच्छी नहीं है. वो है मानसून बारिशों के हवाले से जो कि बलूचिस्तान और सिंध में तबाही मचा रही हैं. साउथ पंजाब में तबाही मचा रही है. पूरा जो हमारा खित्ता है ये इस वक्त बारिशों की वजह से ज़ेरे आताब है. मानसून बारिशों से कराची से खैबर तक इस वक्त ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क इनकी लपेट में है और हर जानब पानी ही पानी दिखाई देता है. खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें तो वहाँ बारिशों और सैलाब से इस वक्त 12 अफराद के जाँ बहक होने की इतला है. दूसरी जानब PDMA के मुताबिक चित्राल में सैलाबी रेले में बहकर 7 अफराद जाँ बहक हो गए. डेरा इस्माइल खान में 4 अफराद की जान चली गई. लोयल चित्राल की बात करें तो इसका एक इलाका है रंदो जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई और इससे एक मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए. जनूबी पंजाब का जिक्र कैसे हम भूल सकते हैं. बहुत बुरी खबरें आ रही हैं. चूँकि मीडिया की बहुत हद तक रसाई नहीं है तो कम खबरें हैं. तबाही बहुत ज़्यादा है. राजनपुर का जो इलाका है ये सैलाब की जद में है. सिंध मुख्तलिफ अजला यहाँ पे वक्फे से अब भी बारिश जारी है और अंदरूनी सिंध इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं. लाड़काना में इतला के घर की छत गिरी है. 2 भाई जहाँ बक हुए और ज़िला भर में 36 मुख्तलिफ अफराद के हवाले से इतलात मौजूद हैं. और इसके अलावा हम अगर बात करें तो मजमू तादाद जो मरने वालों की है वो 18 हो गई है. ये लाड़काना की हम बात करें जहाँ पे बहुत सारी छतें गिरी हैं और उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है. सैलाब से सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान मुतासर है जहाँ पर जहाँ बाग अफराद की तादाद तकरीबन 216 हो गई है. जबकि बलोचिस्तान में मुसलसल बारिश और सैलाब से जो अगर हम बात करें 18 पुल भी बह गए हैं और 690 किलोमीटर जो है इलाका वो मुतासर हुआ है. इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं जी. हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद तबाहकारियाँ इसका सिलसिला जारी है. नुमाइंदगान में हमारे साथ जी मौजूद होंगे हामिद चौधरी जो कि हमें मुल्तान से ज्वाइन करेंगे जबकि मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे कोयटा से. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया. सबसे पहले तो मोहम्मद अकरम आपकी जानिब हम रुख करेंगे. बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और जो राबता सड़कें हैं पुलों की तबाही के बायस जो वहाँ पर की ऑपरेशंस है उसमें भी कुछ दुश्वारी पेश आ रही है लेकिन पाक आर्मी इस हवाले से खासी मुतहरिक हमें नजर आ रही है. क्या लेटेस्ट सूरत हाल है इस वक्त?
जी बिल्कुल उर्मिला, ऐसा है कि गुज़िश्ता रोज़ की मानसून की बारिशों की वजह से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला बुरी तरह से मुतासिर हुए। जो पी डी एम ए के ज़राए हैं उनके मुताबिक और जो ज़िली हुकाम हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक सैलाबी सूरतेहाल से जांबाक होने वालों की जो अब तक की लेटेस्ट तादाद है 225 हो चुकी है। 225 लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान समेत कोयटा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो रोज़ की होने वाली बारिश से बुरी तरह से मुतासिर हुए थे। कोयटा में कल जो है दो डैम टूट गए थे, जिसमें करखसारा डैम, समली डैम जो है वो टूटने की वजह से लोगों की मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गए थे। मैं अब भी जिस जगह पर मौजूद हूँ वो कुचलाक का करीबी इलाका किली समली का वो एरिया है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ समली डैम टूट गया और करीबी आबादी बुरी तरह से मुतासिर हुई। पी डी एम ए ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में जहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ सिर्फ कागजात की हद तक शुरू की थी, वहाँ पर वो ये इलाका भी मुतासिर है जहाँ पर रात गए तक लोग आए, उन्होंने रोड पर जो है आकर धरना दिया, वो बैठे रहे। उनका यही मुतालबा था कि बारिश भी हो रही थी और मेरा रात तकरीबन जो है 9 से 10 बजे तक शदीद बारिश होती रही और मुजाहिरीन इसी रोड पर इसी जगह पर बैठे हुए थे सिर्फ इमदाद के मुंतजिर कि हमें एक खेमा दे दो, रोटी नहीं देते तो ना दो, साफ पीने का पानी नहीं देते तो ना दो, एक खेमा दे दो, हम अपने ये जो यहाँ पे मुतासरीन इतनी मदद का शिकार है इसकी बुनियादी वजह वसाइल की कमी है, यानी कि मसला बहुत बड़ा है और वसाइल कम है या फिर कोताही है इदारों की? बिल्कुल इमरान, कोताही है, टोटली ये इनकी कोताही है। सिर्फ इनके दफातर जाएं, जाकर अगर बैठे और इनसे सिर्फ मौकिफ लेने चाहें, हम मीडिया वालों को मौकिफ देने को ये तैयार नहीं होते। सिर्फ एक प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके मुताबिक मीडिया को इनवाइट किया जाता है, लेकिन जब हम इस मौजूदा सिनेरियो के मुताबिक उनसे कोई मौकिफ लेने जाते हैं तो हमें उनका पी एस सिर्फ यही कहकर टाल देता है कि साहब इस वक्त मीटिंग में है। मीटिंग कुछ नहीं होती, अंदर सिर्फ चाय की चुस्कियाँ चल रही होती हैं। इन आवाम को सिर्फ इसी तरह से छोड़ा हुआ है। कल जो बारिश हुई कोयटा शहर में, जिस तरह से हम इस तमाम सूरतेहाल को रिपोर्ट करते रहे हैं, कोयटा शहर की जो शहर का इलाका है, पीडीएमए ने यहां पर जो है ना लोगों को रेस्क्यू नहीं किया। पश्तूनाबाद में दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए, लोग हमें कॉल करते रहे। कल एक इंतहाई जो गंभीर सूरतेहाल ये थी कि वहां पर जो है कोयटा शहर में खसूसन जो टेलीफोन की सर्विस मुअत्तल हो चुकी थी, नेट सर्विस मुअत्तल थी, लोगों का राब्तों का फुकदान था, कहीं पर कोई इमदाद नहीं पहुंच रही थी। ओवरऑल बलूचिस्तान की भी यही सूरतेहाल है। मोहम्मद अकरम, आप हमारे साथ मौजूद रहे, जनूबी पंजाब के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं है, यहाँ पर क्या सिचुएशन है? हामिद चूंकि हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बात कर लेते हैं। हामिद, अब जिस तरह से अभी मोहम्मद अकरम है बलूचिस्तान और कोयटा के हालात और वाकयात बता रहे थे, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अरमला, अगर बात करें जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब में जो कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ जो मानसून बारिशें हुई उन्होंने जो है वो जो उसके बाद जो रोत कोहियाँ शुरू हुई जिसे हम सैलाब कहते हैं, तो उन्होंने जो है तोंसा, डेरा गाजी खान, राजनपुर और फाजलपुर में तबाही मचा दी है। सबसे ज़्यादा तबाही जो है इस वक्त जो है वो राजनपुर में मचाई है, क्योंकि राजनपुर का 2 लाख से ज़ायद एकड़ जो है वो जेरे आब आ चुका है रकबा। इसके अलावा जो है 1.25 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, तकरीबन 10,000 के लगभग मकान जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। अगर बात करें ओवरऑल, तो जो जनूबी पंजाब को सिंध के साथ रास्ता कनेक्ट करता है जिसे इंडस हाईवे कहते हैं, उसको फाजिलपुर के करीब कट कर दिया गया है, वहाँ से रास्ता बनाया गया है, जो रोत कोहियों का पानी है, सैलाब का पानी है, वहाँ से गुजर सके ताकि जो राजनपुर शहर है उसको बचाया जा सके। अब जनूबी पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो राजनपुर में इस वक्त जो है अमवात की तादाद जो है वो 18 हो चुकी है, जिसमें करंट लगने से भी डेथ्स हुई हैं, मकानों की छतें गिरने से भी डेथ्स हुई हैं और सैलाबी पानी में बहने से भी डेथ्स हुई हैं। 18 डेथ्स जो हैं वो राजनपुर में रिपोर्ट की गई हैं। इसी तरह अगर तोंसा की बात करें तो तोंसा में भी यही सिलसिला है, 18 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बड़ी तादाद में मिसिंग हैं। सबसे बड़ा इशू यह है कि रबता नहीं हो पा रहा, जो रबता सड़कें थी, कोहे सुलेमानी पहाड़ी सिलसिला जो है वो बहुत तवील है, इसके साथ तोंसा, डेरा गाजी खान, राजनपुर, फाजलपुर, इसके साथ जितने इलाके हैं इनका रबता जो है बिल्कुल मुनकता हो चुका है। अच्छा। जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरान कहा तो जा रहा है जो इमदादी कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। तोंसा का आपने जिक्र किया तो साबिक वजीर आला उस्मार साहब का हल्का है ये, तो और मौजूदा हुकूमत ने भी साउथ पंजाब के हवाले से कहा है कि वो फोकस करें, तो क्या रेस्क्यू के हवाले से बताइए प्लीज, क्या वहाँ पे अपडेट्स?
जी बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार भी वहाँ मौके पर मौजूद रहे। तोंसा में वो फ्लड रिलीफ के जो कैंप्स थे वहाँ दौरा करते रहे, इमदादी कार्रवाइयों को देखते रहे। लेकिन असल इशू ये है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है प्रॉपर, जो रास्ते थे वो कट चुके हैं, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला जो है इसका मट्टी वाले ये पहाड़ हैं। जब ये मट्टी नीचे बहती है बारिश के पानी के साथ, तो पत्थर भी बड़े बड़े बहना शुरू हो जाते हैं। उन पत्थरों के साथ जो है वो जो घर हैं वो सफ़ेद हस्ती से मिट जाते हैं। उसके बाद जो है लोग उन्हीं पत्थरों के नीचे, उन्हीं मकानों के नीचे दब गए हैं। बड़ी तादाद में लोग मिसिंग है। सबसे बड़ा इशू यह है कि लोग अपने प्यारों को वो नहीं रब्ता कर पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। लोगों की यही दुहाई है कि जो जरूरत कोहियों का पानी है, इसका कोई प्रॉपर प्लान किया जाए। जितना भी ये कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है, इसकी रोत कोहियां, जो जिसे हम सैलाब कहते हैं, रोत कोहियों की सूरत में ये आता है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। घर जो है वो सफाई हस्ती से मिट जाते हैं। अभी तक जनूबी पंजाब में 36 जो है अमवात रिपोर्ट की जा चुकी है। इसके बाद जो बड़ा खतरा है वो दरिया सिंध का है, क्योंकि दरिया सिंध में आज और या कल बताया जा रहा है 8.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरना है, उससे भी तबाही मचेगी। लेकिन अभी तक जो है ये रोत कोहियों के पानी से इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल नहीं हो सकी, तो उसके बाद दरिया सिंध भी तैयार है, दरिया सिंध भी बिखरा हुआ है। ठीक है हामिद, ऑब्वियसली आप जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि अभी जो मामला सैलाब वाले पानी का है, उसके बाद दरिया सिंध में भी जिस तरह से आप रिपोर्ट करें, अल्लाह रहम करे और कुछ ऐसा आफत ना आए। साथ साथ मोहम्मद अकरम, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान की जहां हम बात करें, वहां पे जिस तरह से तबाही मची, उसके बाद लोगों को खैमों में मुंतकिल किया गया या शेल्टर, जो भी जिस तरह से भी उनको रेस्क्यू किया गया, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे बीमारियां भी परवान चढ़ती हैं। हमने कुछ रिपोर्ट हुई कि 50,000 के करीब या दीगर जगहों पे हैजे के हवाले से भी लोगों में रिपोर्ट हो रहा है, क्या इस तरह का भी कोई मामला है? जी बिल्कुल अर्मिला, है ऐसा बिल्कुल। गुज़िश्ता दिनों भी जो बारिशें हुई थी, क्योंकि तकरीबन 1.5 माह हो गया है मानसून की ये बारिशें वक्फे से क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं, तो जोब, कोलू और दुक्की में हैज़ा और जो है ना डायरिया की ये बीमारियाँ फैली थी, जिसमें जो है तकरीबन 9 के करीब बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए थे और दर्जनों जो है हस्पताल जा पहुँचे थे। तो अब जो है यही सूरत हाल है कि अब जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता पानी तमाम इलाकों में बैठना शुरू होगा, वहाँ पर ये बीमारियाँ जो है फैलना शुरू हो जाएंगी। महकमे सेहत की जानब से जो उनके काम है, उन्हें भी जिली हुकाम में खसूसी तौर पर बुनियादी मराकज को ये हदायत भी जारी कर दी गई थी, एक अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसके मुताबिक बताया गया था कि जिन जिन इलाकों में जो सैलाब मुतासरीन है वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने के साथ साथ हेल्थ की तमाम बुनियादी सहूलियात भी फराम की जाएँ। लेकिन हमें जो रिपोर्ट हो रहा है, जो वहाँ के हमारे नुमाइंदागान हैं जो हमारे साथ वहाँ पर जो रबते में, उनका यही कहना है कि यहाँ पर उनको बुनियादी सेहत के जो सहूलियात भी फराम नहीं की जा रही। अब तो मेन मसला जो है इस पानी के बैठने के बाद शुरू होगा, जहाँ पर कुदरती आफात शुरू हो जाएंगी, खसूसी तौर पर ये वबाई अमराज फैलेंगे, जिसमें हैजा, डायरिया और दीगर जिल्द की बीमारियां हैं, क्योंकि जानवर भी इसमें काफी बह चुके हैं। इंसानी जाने जो हैं, अभी भी कई लोग अपने प्यारों से जो है ना अभी भी दूर हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं मुख्तलिफ सैलाबी रेलों में, नालों में, गुजरगाहों में, नशेबी इलाकों में, वहां पर अब भी उनका पता नहीं है। दूसरी जानिब लोग यही हमसे राब्ता करते हुए कहते हैं कि खुदारा ये भी बता दें कि वजीर आजम ने कल वजीर आला से राब्ता किया था और बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जो रकूम मिलती है उसके बारे में भी इस्तफसार किया था, और उसके साथ वजीर आजम ने 25,000 रुपए कैश का भी ऐलान किया, एक खबर भी नजर से गुजरी जो मुतासरीन है वहां पे। क्या ये पैसे मिलना शुरू हुए हैं, कोई मैकेनिज्म बना है, या ये भी सिर्फ खबरों और अखबारों में है? इमरान, अभी तक ऐसा कोई सूरत हाल हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि जैसी जो सूरत हाल होती है, जाहिर है उन्हें इस कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, कैमरे को दिखाकर ही वो बहुत सी चीज़ों को एग्जेजरेट करते हैं। तो अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, जैसे ही कोई चीज़ सामने आएगी तो उसको यकीनन हम भी रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल जो है इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से लोग जो है परेशान है, अगर उन्हें खेमे मिल जाएँ और एक वक्त की रोटी मिल जाए तो उनके लिए यही काफ़ी होगा। ठीक हो गया, आप दोनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद ही रहेगा जहाँ बलोचिस्तान की बात। इमरान कोक स्टूडियो के बड़े मशहूर सिंगर हैं, उनके हवाले से आपको बताएं, सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक्चर सर्कुलेट कर रही थी जिसमें उनके जो घर है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। हाँ, उनको नुकसान तो पहुंचा, और ये पिक्चर जो है सर्कुलेट हुई कि वहाँ पे उनकी हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। वहाब के हवाले से हम बात करें, ये अपने बच्चों के साथ एक शेल्टर बनाए बैठे हैं और इनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनकी मदद के हवाले से अपील की जा रही थी, क्योंकि
एक आर्टिस्ट है और जिस तरह से कोक स्टूडियो में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की और एक स्पेसिफिक अगर हम बलोची उसमें बात करें तो इनका एक बहुत अच्छा करियर है पहले ऑलरेडी, उस म्यूज़िक को बहुत अच्छे से परस्यू कर रहे हैं। ऐसे में एक आर्टिस्ट के लिए इनकी पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाना जिसमें इनकी हालत को उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बलोचिस्तान में जहाँ बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ मचाई हैं सैलाब ने, वहाँ पर बहुत सारे दीगर लोग भी मुतासर हुए। ये एक महज एक पिक्चर है और ऐसे कई हज़ार घराने हैं जी, जैसे कि हमें अभी हामिद बता रहे थे कि 10,000 से ज़्यादा घर हैं, 1,25,000 से ऊपर जो फसलें हैं खड़ी वो तबाह हो चुकी। हामिद दोबारा से आपकी जानिब आएंगे, चूंकि साउथ पंजाब की तरह, और साउथ पंजाब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें मैंने कहा कि मीडिया की रसाई भी बाज़ इलाकों तक बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अब रेस्क्यू के हवाले से आप क्या बता पाएंगे हमें, और मज़ीद कौन से ऐसे इलाके हैं जो आपकी नॉलेज में आए हों जहाँ पर बिल्कुल इस वक्त इमदाद नहीं पहुँची है और थोड़ा सा रेस्क्यू को तेज़ करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल इमरान, अगर डेरा गाजी खान की बात करें तो डेरा गाजी खान में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है, वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल को जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप डिक्लेयर कर दिया गया। इसी तरह जो है राजनपुर में भी फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि तमाम लोगों तक इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं पहुँच सकी। जितनी भी रेस्क्यू की जानिब से कंपेन की जा रही है, लोगों को बाहर लाया जा रहा है, वो तो बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं जहाँ पहाड़ी रास्ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कोहे सुलेमान के ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये मट्टी वाले पहाड़ हैं, जैसे यहाँ बारिश आती है। टाइम कम है, आखिर में मैं आप एक चीज़ में भूल गया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी एनजीओ और बहुत सारे प्राइवेट इदारे एक्टिव होते हैं जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, जैसे हमें अर्थक्वेक के हवाले से याद है और बहुत सारे ऐसे मामलात में, क्या आपको इस वक्त वो प्राइवेट निजी इदारे नजर आ रहे हैं यहाँ पे काम करते हुए? जी बिल्कुल इमरान, जनूबी पंजाब में बड़ी तादाद में जो एनजीओज हैं, जो फलाही इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं, लोगों को कैंप्स फराम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है खाना फराम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि खाना लोगों के पास नहीं है, जैसे हर चीज़ उनकी बह गई उसके बाद उनके खाने के लिए बड़ी मुश्किल थी, तो फलाही तंजीमों की जानिब से खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, इसी तरह कैंप की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आपका भी और हामिद चौधरी आपका भी, क्या हमें अपडेट कर रहे थे। अल्लाह ताला तमाम तर लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उन उनकी मुश्किलें आसान करें और हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास मिले, एहसास हो उनको कि कितनी मुश्किल में लोग इस वक्त रह रहे हैं यहाँ पे। बेशक आगे बढ़ते हैं हम और बुलबुले पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी हमारा शो नहीं था जब तक जब ये खबर पहुँची तो बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। नईरा नूर साहिबा, जिनकी आवाज़ की मिठास को हमने हमेशा बचपन से गाते सुना, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई, बेहतरीन मीठी और सुरीली आवाज़ नईरा नूर साहिबा 72 बरस की उम्र में हमसे जुदा हो गई और खालिक हकीकी के पास चली गई। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तानी फिल्म्स में ऐसे ऐसे गीत गाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो गाना उन्होंने गाया वो गाना मशहूर हुआ। बैक टू एक्सप्रेसो, ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब आपकी मुलाकात ऐसी खवातीन से करवाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह लें मोटिवेशन का बायस भी बनती है और उन खवातीन को जो ऑलरेडी एक माशरे के लिए मोटिवेशन है। और हम बात कर रहे हैं अलीज़े और मज़िया की, जो जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया की कामयाब खवातीन से आपको मिलवाती हैं, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं ZNJ के नाम से, जहाँ पर ये खवातीन जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुकी होती हैं उनसे मुलाकात करवाती हैं, उनके जर्नी को डिस्कस करती हैं। सो विदाउट एनी डिले हमारे साथ इस ZNJ प्लेटफॉर्म की स्टार्टअप की हैं दोनों खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, मर्जियन अलीज़े जलानी, दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मर्जियन अलीज़े एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से हम जानना चाहेंगे, आप ज़रा बताएँ कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह से आप लोगों ने स्टार्ट किया और अब आपने कितनी खवातीन से मुलाकात करवाई है लोगों की? जी अस्सलाम वालेकुम, पहले तो हम दोनों आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने ZNJ हमें ये मौका दिया कि आप ZNJ के मकसद के बारे में बात करें। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है। तो ZNJ जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो साउथ एशियन खवातीन की कहानियाँ और उनकी कामयाबियों को पेश करता है। जी एंड हमने ये प्लेटफॉर्म इसी वजह से स्टार्ट किया था क्योंकि हमें लगता है कि जो साउथ एशियन खवातीन हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में कामयाबी हासिल कर रही हैं, मगर बहुत से लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। एंड ऑल्सो हमारे इस एक ऐसा कल्चर बन जाता है जो अगर एक औरत कामयाब हो जाए तो दूसरी खवातीन थोड़ा सा जेलस होती है कि उन्हें लगता है कि ये बहुत लिमिटेड पोजीशन है एंड अगर उन्होंने ले लिया तो हमें नहीं मिल सकती। तो हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सके जिसमें हर औरत अपने आप को एंड दूसरों को सपोर्ट भी कर सके। अब तक कितना फायदा हुआ अब तक और किस किस्म के लोग हैं जो अभी तक आपसे जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर? तो हमारे
हमारे जो ये कम्युनिटी है वो 500 लोगों तक है अभी तक, लेकिन हमने 10 खवातीन को इंटरव्यू किया है जो मुख्तलिफ ममालिक एंड मुख्तलिफ फील्ड्स से यू नो ताल्लुक रखती हैं, एंड उन्होंने वर्कशॉप्स भी होल्ड किए हैं, उन्होंने टिप्स भी दिए हैं बाकी खवातीन को. सो आई थिंक ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल हुआ है अभी तक. ठीक हो गया. अच्छा ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली आपने जैसे से कहा कि 10 खवातीन का अब तक आप इंटरव्यू कर चुकी हैं, और ऑब्वियसली जब आप किसी का जर्नी डिस्कस करते हैं तो उसके चैलेंजेस के हवाले से भी पता लगता है. एक क्या इन जेनेरिक अगर हम बात करें, क्या चैलेंजेस रहे उन खवातीन को जर्नी में जो आप समझती हैं कि दीगर खवातीन के लिए एक बेहतर गाइडलाइन हो सकता है? सो आई थिंक जो बहुत ही खवातीन ने ये चैलेंज हमें बताया था कि उन्हें कभी कभार अपनी फील्ड्स में सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि मर्दों को लगता है कि ये उनका शायद यू नो जॉब नहीं है, वो ज़्यादा शायद एक्सपीरियंस नहीं हो इसमें. तो वो एक चीज़ थी, एंड देन दूसरी चीज़ ये थी कि यू नो कभी कभार उन्हें इस बात पर भी मुश्किल का सामना करना होता है कि वो अपने घर को कैसे संभाले एंड अपने काम को कैसे संभाले, राइट? एंड हमारे ऐसे कभी कभार ऐसा इंटरव्यू भी हुआ जिसमें यू नो एक खवातीन के साथ उनका बच्चा भी हो एंड वो अपने काम के बारे में बात कर रही हो, एंड वो बहुत खूबसूरती से बैलेंस कर सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फैमिलीज को भी उन खवातीन को अलीज़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स तो बहुत मौजूद है जहाँ पे लोग मोटिवेशनली लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे हैविंग द मिलियंस ऑफ पीपल. आपके प्लेटफॉर्म में डिफरेंट क्या है, पहला मेरा सवाल, और दूसरा ये कि आपके गोल्स क्या हैं इसको लेकर? जी तो हमारे प्लेटफॉर्म में अगेन हमारा फोकस जो है वो साउथ एशियन खवातीन पे है, और हमारा जो मीडियम है हम इंटरव्यू सीरीज करते हैं, उनसे क्वेश्चंस और आंसर्स उनकी जर्नी के बारे में हम पूछते हैं, और हमारे जो सवाल होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, एक तो उनकी जर्नी के बारे में और फिर उसके बाद जो चैलेंजेस वो फेस करती हैं उनको उन्होंने कैसे वो ओवरकम चैलेंजेस कैसे उन्होंने ओवरकम किया है हम वो भी उनसे पता करते हैं, और एंड में हम जो एक डिफरेंट चीज करते हैं उसका नाम हमने रखा हुआ है जाजी जी, जिसपे वो थोड़ा सा फन और इंटरैक्टिव सेगमेंट होता है. और so, आपका गोल क्या है लीजिए, क्विकली बता दें कि आपने इस प्लेटफॉर्म को आगे कैसे लेके जाना है? तो हमारे काफी फ्यूचर में इरादे, हमारा गोल ये है कि हम बस हर साउथ एशियन यू नो मे बी लड़की जो है 16 ईयर ओल्ड जो 16 साल की लड़की है उसको हमने बताना है कि आपके पास बहुत से रोल मॉडल्स हैं जो बहुत एम्पावर्ड. राइट राइट मजिया अनलीज़े, थैंक यू वेरी मच. टाइम हमारे पास कम है, बट आई होप कि आपका जो पर्पस है वो पहुंचा है, और इट्स अ गुड कॉज एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस व्हाट यू डूइंग. थैंक यू वेरी मच. हमारे साथ जी एन जे से मजिया अनलीज़े जिलानी मौजूद थी, आपने देखा. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक. और प्रोग्राम के सिस्टम में आपको कुछ क्रिकेट के हवाले से बताएं, कौमी टीम ने बहुत बड़ा मार्का मार के दुनिया की सबसे मुश्किल टीम नेदरलैंड्स के खिलाफ कल 9 रन से मैच जीता. ऐसे कहते हैं बहुत बुरी बात भाई, इससे भी ज्यादा बुरा कहते हैं, मतलब 200 रन पे पाकिस्तान की टीम आउट हो रही है. कल आपने एशिया कप खेलना है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आप करेंगे क्या? बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही जी, हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं. सिवाय बाबर आजम के कब तक वो अकेले अपने सर पर जिम्मेदारियां लेते रहेंगे और बाकी प्लेयर सिर्फ यूरोप के टूर्स के मजे लेते रहेंगे. आई हैव वेरी स्ट्रांग रिजर्वेशंस, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. सलीम खालिक साहब मौजूद है. सीनियर अच्छा ये मेरे एज स्पोर्ट्स व्यूअर ख्यालात है, सर सलीम खालिक साहब हैं तो उनसे जरा पूछ लेते हैं, बल्कि आप पूछें. सलीम साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच. इमरान बहुत गुस्से में लग रहे हैं, आप बताएं आपको भी इतना गुस्सा चढ़ा कल का मैच देख के? नहीं नहीं, मैं तो इमरान की बातें एंजॉय कर रहा था. मैंने तो सुना इतनी आप दोनों ने मिठाइयां पार्टी की कर ली. नहीं वैसे ऑन अ सीरियस नोट, वाकई इमरान की तशवीश है वो गलत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी टीम जो 13वें नंबर पर है आईसीसी वर्ल्ड कप पर लीग है और हमारी टीम तीसरे नंबर पर, उसके खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस अनएक्सेप्टेबल. और वही बात कि एशिया कप होने वाला है, अगर हम फाइनल में पहुंचे तो इंडिया के साथ 3 मैचेस होंगे, लेकिन अभी हमारी टीम की कोई सिम्स नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये वनडे है वो T20 में होगा, लेकिन ऑलमोस्ट प्लेयर तकरीबन वही है. कल कुछ चेंजेस की थी, बेंच स्ट्रेंथ आजमाई, और बेंच जो थी इतनी कमजोर थी कि जरा सा प्रेशर पड़ा तो टूटते टूटते रह गई बस. मसला क्या है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये हमारी डोमेस्टिक ट्रॉफीज में PSL में बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, और जब भी इंटरनेशनल जाते हैं कीपर और टीम्स के खिलाफ तो वहां पे ऐसे लगता है कि इन्होंने कभी खेला ही नहीं है. तो क्या इनकी कोई मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है, कम अज कम सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटली भी इतने आपको स्ट्रांग रखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं? मसला क्या है? देखिए
जो प्लेयर अगर खेले उनको हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही यंगस्टर हैं, जैसे अब्दुल्ला की हम बात करें, अब्दुल्ला खेलते चले आ रहे हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया, ऐसा नहीं है कि उनका पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वनडे में कर रहे थे लेकिन वैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। बाबर भी कल खेल रहे थे, फखर भी खेल रहे थे, और जो प्लेयर बाकी मिडिल ऑर्डर में थे वो सब ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ थे, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था वहां पर। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जवानी के मैग्रा, मेलकम मार्शल ऐसे बॉलिंग कर रहे हो, खेला ही नहीं जा रहा था। और 206 रन, जैसे आपने बताया कि इस तरह की बैटिंग थी, और मेरे ख्याल आप मुझे पता चला था कि मैच देखते थे सो भी गए थे। सलीम खालिक साहब, दूसरी जानिब अभी कल का मैच तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया, हम चाहेंगे क्विकली सर आप इंडिया से मैच होने वाला है, फिर दूसरी जानिब एशिया कप में शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे हैं, नीदरलैंड से आप जीत नहीं सकते, इंडिया को आप डिस्कस कर, मतलब ठीक है करना तो बनता ही है ना, जरा दोनों पे बताइएगा सलीम साहब। ठीक है, शाहीन की बात कर ले, मैंने आपके शो में ही कई बार ये बात बोली है कि शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी दिन बंद हो जाएगी, मशीन खराब हो गई, और अल्टीमेटली वही हुआ क्योंकि वो इंसान है, वनडे टेस्ट और T20 सब मैच खिला रहे हैं, PSL और दूसरे भी इवेंट पे है, मुसलसल बॉलिंग कर रहा है, मुसलसल खेल रहा है, तो जाहिर है बोझ तो पड़ेगा। तो फिर एक डाइव लगाई, उस डाइव में उनके घुटने का काम हो गया, जो घुटना उनका पहले शायद वीक हो चुका था, फिर सोने पे सुहागा कि उनको बजाय यहाँ पर आराम करवाते, उनकी रिहैब यहाँ होती, उनको लेकर चलेगा साथ नेदरलैंड, और अब लेकर जा रहे हैं दुबई। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि एक बंदे का घुटना खराब है, आप उसको इतनी ट्रैवलिंग करा रहे हैं, क्या एक ही डॉक्टर है पाकिस्तान में जो उनका इलाज कर सकता है कि वो टीम के साथ है तो साथ साथ रहे, ट्रैवलिंग से थोड़ा बेहतर भी तो फील होता है ना। इस वक्त की क्वेश्चन है, शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट कौन है, आप बताइए इस हवाले से, आखिरी क्वेश्चन मेरा। देखें, जो नाम चल रहा था वो हसन अली का चल रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हसन अली आउट ऑफ फॉर्म होने पे बाहर हुए और एक हफ्ते घर पे रह के ट्रेनिंग करके फिर फॉर्म में आके वापस आ जाएंगे। अच्छा, अर्मिला ने ये इंडिया पाकिस्तान के मैच का भी जिक्र किया था ना, मैच बहुत हाई प्रेशर मैच होगा, जो वर्ल्ड कप में हम जीते थे सबसे अहम किरदार शाहीन अफरीदी का ही था, उन्होंने विकेट ली, प्रेशर पे इंडिया में डाला, अब जो है ये देखना होगा क्या होगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि नसीम शाह जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी आपने देखी होगी नो बॉल और वाइड का उनका मसला है, लेकिन अच्छी उनकी बॉलिंग है और बेहतर है। लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी वाला खौफ था ना इंडिया पे, वो जी अब खत्म हो चुका है, और कोहली जो है वो भी बहुत खतरनाक मूड में है, उनको भी लग रहा है कि भाई 1000 दिन हो चुके हैं सेंचुरी किए हुए उन्हें, बस अब तो पाकिस्तान टीम के लिए एक मुश्किल मैच होगा, और ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसानी से हरा देंगे। सलीम साहब, आपने खुद भी कहा आप शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट हसन अली पे गौर तो किया जा रहा था, कल मैंने पहले शुरू इंटरव्यू में भी कहा मोहम्मद आमिर बहुत ट्रेंड कर रहे थे, क्या वो खुद से ट्रेंड कर रहे थे या मतलब उनको ट्रेंड पे लाया जा रहा था? देखिए, ट्विटर पे तो आप ना जाया करें, ट्विटर पे आपको पता है कि बहुत सारे पैसा फेंक तमाशा देख ये वाला चक्कर भी होता है, और ट्रेंड चलाना, और कैसे कैसे ट्रेंड चल रहे होते हैं। मोहम्मद आमिर ने तो क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ है, तो वो टीम में कैसे आ जाएंगे, लेकिन उनके चाहने वाले बहुत हैं, जब वो खेल रहे थे तब भी, अभी भी बहुत, तो उन्होंने एक वो शुरू कर दिया ट्विटर पे भी ट्रेंड और वो सब चल रहा था, लेकिन आमिर के आने का इम्कान 1% भी नहीं है इधर आपका। पीर हमजा अगर आ जाए, क्योंकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप ठीक है सर, हसन के साथ प्लेयर्स कंफर्टेबल चलें। आई होप कि हमारी गुफ्तगू जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद हो तो थोड़ी, साहब सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, हम इस पर बात करते रहेंगे। 11 वाइट बॉलें फेंकी कल पाकिस्तान ने, हमारे दिल पे लगी हैं। टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब, जहाँ पे एक्सप्रेसो ने अपनी दूसरी सालगिरह कुछ दिन पहले मनाई, उसी तरीके से हम 550 तकरीबन एपिसोड्स आपके सामने अब तक इस सिलसिले की पेश कर चुके हैं, हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी अपनी इसी तरह से मुख्तलिफ मनाजिल तय करें, तो निकले तेरी तलाश में इज दी ओल्डेस्ट सेगमेंट वी हैव सिंस डे वन, सेगमेंट्स बाकी तब्दील भी होते रहते हैं, लेकिन आज इसका 100th एपिसोड है, यानी कि सेंचुरी मुकम्मल हो रही है निकले तेरी तलाश में, सो तारर साहब की भी हमारे साथ और वकार भाई की भी सेंचुरी मुकम्मल हो रही है, सो जस्ट वी वांट टू पे हम्बल ट्रिब्यूट, अ ग्रेट जर्नी ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन, सो आज भी निकले तेरी तलाश में चित्राल दास्तान डिस्कस हो रही है, 100वीं एपिसोड है, देखते हैं आज क्या है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जिस किताब पर हमारी तार साहब से गुफ्तगू हो रही है उसका नाम है चित्राल दास्तान, और चित्राल दास्तान में जो तार साहब ने सफ़र है वो शुरू किया है गिलगित से गुप्स और यासीन वैली और फिर फंडर और उससे होते हुए शंदूर क्रॉस करके चित्राल की जानिब गए हैं, क्योंकि ये 30 बरस कबल सफ़र किया गया, तो इस हवाले से इसकी एक बड़ी अहमियत है कि उस वक्त का गज़र और आज का गज़र डेफिनेटली मुख्तलिफ है, तो इसलिए गज़र का जो
क्योंकि इब्तदाई चैप्टर्स जो हैं, इब्तदाई अफवाब जो हैं वो गज़र से मुतलक हैं, तो इसलिए गज़र पर बात हो रही है उनसे। और फिर शदूर क्रास करके हम चित्राल की जानिब चले जाएंगे। तार साहब से जो गुज़श्ता एक साल में बात हुई थी, एक तो त्रिशमीर के हवाले से हमने जो पहली किस्त थी त्रिशमीर के हवाले से की थी, जिसमें त्रिशमीर से मंसूब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अनसुनी हैं, अनकही हैं, उन पर बात की थी। तो तार साहब बहुत शुक्रिया, आपने लिखा है एक आपके चैप्टर का उनवान है फंडर के हवाले से कि छोटा कश्मीर और खिड़की में फ्रेम शुदा फंडर की तस्वीर। और ये दो तीन सफ़े बहुत ही कमाल हैं, यहाँ पे वक्त की कमी है, उनको कोट नहीं किया जा सकता। अगर आप ही थोड़ा सा बता दें कि वो जो मुतहर्रिक तस्वीर थी कि एक आपकी आँख खुलती है सुबह और आपके आपके कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है, लेकिन उस तस्वीर में दरख्त जो है वो हिल रहे हैं और दरिया जो है उसका पानी भी जो है वो रवां है, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए, बाकी नाज़रीन किताब में तो पढ़ ही लेंगे, तो आप नाज़रीन को ये खूबसूरत वाक़या दोहरा सकते हैं। जब हम गए तो रात को गए हैं, बेसिकली थे अपना जनरल नज़ीर अहमद, वो डीजी थे FWO के, इस्लामाबाद में किसी जगह मुलाकात हुई, वो मेरे बहुत पढ़ने वाले थे, मुझे कहने लगे कि मैं डीजी हूँ वहाँ का, आपको कोई चीज़, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं थी। बहरहाल फाइनली क्योंकि जी बहुत चाहता था गिलगित से चित्राल जाने को, लेकिन मुझे अब तक याद है कि वन वे जो था किराया 6,000 था, वो मेरी बस में ना था, मैं मेरे वसाइल इतने, तो मैंने कहा जी इस तरह जाना, तो उन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया। और दो जीपें थी इसकी, आर्मी की थी, और साथ खाना वाना, बच्चे भी साथ थे, ठीक। और हम वो रवाना हो गए और रात को हम पहुंचे फंडर, हमें कुछ ही नहीं पता कि कहाँ आ गए। और अगेन फंडर की तस्वीर भी मैंने नहीं देखी, किसी ने बताया कि अच्छी खूबसूरत वादी। तो रेस्ट हाउस था, उसके दो कमरे थे, पुराना रेस्ट हाउस, तो वो पहले बुक हुए थे, तो वहाँ जाके खाना वाना खा के सो गए। तो सुबह जब मैं जागा हूँ तो आपको एहसास होगा कि भाई जो नीम गनूदगी है उसमें अजीब फैंटसी जहन में चलती है, वो हकीकत जो है वो शायबा हो जाती है, शायबा हकीकत हो जाती है, और उन लम्हों में ही क्रिएशन बड़ी होती है, जिस तरह भाव का भी तसव्वुर तभी मुझे आया था उस। तो मैं जागा हूँ तो साथ ही खिड़की थी, तो मैंने यूं करके देखा है, और इन्होंने किसी कैलेंडर की तस्वीर जो है ना काट के उसके शीशे के ऊपर लगा दी, शीशे की जगह। फिर मैं फिर दोबारा जागा हूँ, तो मैंने कहा कि ये मतलब कि इसमें जो दरिया है वो कुछ लगता हिलता भी है। फिर मैं उस फैंटेसी से बाहर जब आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, वहाँ कोई कैलेंडर की तस्वीर नहीं है, बल्कि उसके दरमियान में से वो फंडर रिवर और नीचे पूरी वैली नज़र आ रही। तो इट वॉज मतलब एक पिक्चर पोस्ट कार्ड नज़ारा था। और बाहर भी निकले हैं तो वैसे उस वक्त मुझे अब का नहीं पता, तब तो मैंने देखा कुछ मज़ीद वहाँ पे चीज़ें बन गई हैं, और फंडर दरिया के किनारे भी कोई आमाजगाहें शायद हैं, लेकिन आई फील कि अभी तक उसकी जो है ना खूबसूरती, जिसको मैं पिक्चर पोस्ट कार्ड ही कहता हूँ कैलेंडरों वाली, वो अभी तक कायम है, कमाल की जगह। फंडर का हुस्न बिलाखेज़ और लंगर की शीशा, नदियों में तैरते हम और मछलियाँ, तफसीली अफवाब हैं लंगर के हवाले से जो वहाँ पे आपका क्याम रहा है। अच्छा, इस सफ़र में एक बड़ी खूबसूरती ये थी और एक खसूसियत इसकी ये है और एक इनफरादियत इसकी ये है, इसमें आपके बच्चे आपके साथ थे, आपकी बीवी आपके साथ थी, कई और सफ़रनामों में भी हैं लेकिन ये इस सफ़रनामे में भी वो आपका हिस्सा थे, और उनकी मासूमियत और वो छोटे बच्चे थे, और बड़ी खूबसूरत आपने बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया है इस सफ़रनामे में उनकी शरारतों को और उनकी बातों को। तो तार साहब, जब अब आपकी बीवी और आपके बच्चे कभी आप इकट्ठे बैठे होते हैं तो आपको वो आज से 30 साल पुरानी वो बातें आप याद करते हैं कि फंडर में हमने कैसे काम किया था और लंगर जो था वहाँ पे हम कैसे नहाए थे या हमने कैसे मछलियाँ पकड़ी थी, वो तमाम चीज़ें हैं, या वहाँ पर एक 7-Up यानी एक पानी है जो कि निकल रहा है चश्मे का, वो आपने, और ये तमाम एक्सपीरियंसेस, ये अभी भी आप जब बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में या इकट्ठे जब बैठे होते हैं फैमिली के साथ तो ये याद करते हैं अपने उन सफ़रनामों को, सफ़र को। वो बच्चे जब मुझे अब्बा जी को मुतमन करना चाहते हैं
तो फिर कहते हैं कि अब्बा जी आपने बड़ा खजल किया, हमारा बचपन सारा आपने पहाड़ों में गंवा दिया। लेकिन वो ये मजाक से कहते हैं, क्योंकि उनके जो भी कोलीग्स होते हैं वो हमेशा इस बात पे हैरान होते हैं जब वो कहते हैं कि जो हम तो 8 साल के थे जब फलां जगह गए और हम छोटी गाड़ी थी नीली उसमें सब बैठ के खुंजराब गए थे। जस्ट इमेजिन जब हम खुंजराब पहली मरतबा गए वो नीली घर में, दे वॉजेंट ए सिंगल पर्सन देर, मारमोट हमारे दोस्त मारमोटों के सिवा कोई शायद नहीं थे। चुनाचे उन बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वसत का और ट्रैवल का, वो बहुत आज के बच्चे जो आज बाकी लोग उनके दोस्त थे उनसे बहुत आगे था। तो इस चीज़ ने उनको हेल्प दी, बातें तो करते हैं। शेंदूर एक एंटी क्लाइमेक्स था, मंजर के हवाले से नहीं, पहुंच के हवाले से। तो शेंदूर को आपने यकीनन मुख्तलिफ पाया। सवाल मेरा यह है कि शेंदूर को आपने किन हवालों से दूसरे जो पाकिस्तान में बुलंद दर्रे हैं आपने मुख्तलिफ पाया? शेंदूर की एक तो मायूसी ये थी कि वो कुछ लड़ाई वड़ाई आई नहीं, एकदम आ गया। ठीक है, यही मुझे मायूसी हुई थी चाइना की तरफ खुंजराब आते हुए, क्योंकि वहाँ भी एक प्लेन चले आते हैं और थोड़े से यूं करके होता है तो आगे खुंजराब आता। वेर पाकिस्तान साइड पे आपको पता ही है कि कितना जान जोखों का काम है वहाँ तक ड्राइव करना। तो वो जो होता है ना कि भाई मशक्क़त से मतलब है कि आप मेहनत करते हैं, चलते हैं, थक जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि कहाँ आ गए, और उसके बाद जब वो मंजर खुलता है वो ज़्यादा आप पे मतलब असर अंदाज होता है। तो ये मंजर ऐसे ही खुल गया, मतलब है कि कोई उसके लिए मशक्क़त जदोजहद नहीं की। तो वो एक तो ये मायूसी है, दूसरी ये था कि वो मायूसी नहीं हुई, हैरत हुई। वी नेवर थॉट कि इतनी ह्यूज है, मतलब ये कोई शेंदूर पास नहीं है। पास तो होता है ना कि ऐसे ही कोई छोटा सा इलाका वो पास करके दूसरी तरफ चले गए, वो तो एक पूरी रियासत शेंदूर का पूरा इलाका जो है, वो दो झीलें जो है वो बहुत खूबसूरत नहीं है, क्योंकि बुलंदी पे झीलें जिस तरह शिवसर जो है वो बड़ी, मैं तो उसको बदसूरत झील ही कहता हूँ, व्यवसायी की पानी का मजमू है ना, अदरवाइज उसमें कोई नहीं, इसी तरह वो भी हैं। लेकिन वहाँ पे जो दिलचस्प वकूआ हुआ ना कि शेंदूर हट है वहाँ, और वो मेरे एक दोस्त थे उन दिनों मिनिस्टर थे टूरिज्म के, उन्होंने बुक करवाया था चित्राल के प्रिंस से, वहाँ किसी की बुकिंग नहीं होती। तो हम वहाँ पे गए तो एक तो उसने चौकीदार ने हमें दरखोरे इतना ना समझा, मालूम हुआ कि यहाँ तो जनाब बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आके ठहरते हैं, और तमाम प्राइम मिनिस्टरों के वाकई वहाँ दस्तखत भी थे, और पता नहीं ज़ियाउल्लाह के भी थे और भुट्टो के भी थे, लेडी डायना के भी थे, इमरान खान के भी थे, ये सब लोग उन्होंने दर्ज किए हुए थे अपने वो जो विजिटर रजिस्टर में। तो वहाँ पे जब हम गए हैं तो उसको कहा कि भाई एकदम हाथ लगाया मेरे को तो बहुत शदीद सर्दी। तो मेरी बीवी ने कहा कि 4 बजे इतनी सर्दी है, रात को क्या हाल होगा, और ये कमबख्त कहता है कि लकड़ियाँ भी नहीं हैं, नीचे से कहीं से लेके आएगा, बच्चे साथ होंगे, बच्चे छोटे थे, तो कहें कि चाय पियो निकल चलो यहाँ नीचे चलें, हाइट को कम करें। और मैं भी वो गया वॉशरूम में, कमोड पे बैठा था, जो मेरा हाल हुआ कमोड मेरे साथ ही चला आया, मतलब इतनी सर्दी। तो वो बड़ा हैरान हुआ वो चौकीदार के, भाई ये अजीब लोग हैं, ये वाकई कोई ऐसे ही मामूली लोग हैं, बड़े लोग नहीं हैं, बड़े लोग तो आगे ठहरते हैं ना, ये तो यहाँ से जा रहे हैं। तो उसके बाद दूसरी तरफ हम उतरे। शेंदूर से मैं उतना मुतासर नहीं हूँ, मैंने बताया ना कि उसमें जो मेरा लिमिटेड कॉन्सेप्ट है दर्रे का पास का वो नहीं है, उस पूरा इलाका है। दूसरी तरफ उतरे वहाँ पे सरलासपुर वगैरह में, और वहाँ पे हमें मिल गए हवालदार साहब। क्या बात है, तारसम दर शेंदूर पे हम बिल्कुल दूसरी तरफ उतरते हैं और लासपुर में जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ, क्योंकि उस आपने किताब में ये लिखा है कि दर शेंदूर पर अगरचे हर बरस घोड़े दौड़ते थे, पोलो मैच मुनक़द होते थे, उसे बेतौकीर करते थे, यानी शेंदूर के मैदान को बेतौकीर करते थे। इस फिक्रे से ऐसे लगता है जैसे आपको शेंदूर जो पोलो फेस्टिवल या इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं शायद आपको पसंद नहीं करते इन सरगर्मियों को, आप कहीं और जाके घोड़े दौड़ा लें। ठीक है, वो कहते हैं जी अजमुना कदीम से गिलगित और चित्राल के पोलो मैच होते थे, कितने लोग होते थे वहाँ,
वहाँ पे वो कमर्शियल तो नहीं था ना, मकामी आबादी होती थी, 8-10 घोड़े हो गए, 100-200 लोग हो गए, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। अब ये तो नहीं कि वहाँ पे आप टेंट लगा के उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं गाड़ियों पे भर भर के, क्योंकि कुदरती जो मंजर है उसमें ये अननेचुरल एलिमेंट है। ह्यूमन बीइंग इज अननेचुरल, वो टेंट अननेचुरल है, वहाँ पे वाशरूम फैसिलिटीज हैं, पकौड़े बिक रहे हैं, ये वो सारा कुछ, तो मतलब है कि आप यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह मुझे याद है एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पर मौजदारों में टेंट लगा के वहाँ पे अपना जलसा कर लिया, तो दे आर नॉट अवेयर, जिस तरह मैंने कहा हुकूमतों से मत तो रखें कि उनको कोई इस तरह का एस्थेटिक होगा कल्चरल, नो। जब हुजूम छट जाता है, घोड़े चले जाते हैं, तब तंदूर वजूद में आता है। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आपको मसला शायद घोड़ों से नहीं है बल्कि हुजूम से है। घोड़ों से भी है। अच्छा, घोड़ों, क्योंकि घोड़े अगर वहाँ कुदरती तौर पे हों, मतलब चल रहे हों वैसे, ठीक है, मतलब जिस तरह शौंदर पास है यहाँ पे एक, वहाँ पे घोड़ों के लिए मशहूर है, वो खूबसूरत लगता है, घोड़े वहाँ चल रहे हैं, प्राइवेट घोड़े हैं लोगों के, लेकिन वो जो प्रोफेशनल घोड़े हैं ना भाग दौड़ रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, आपने तार साहब की गुफ्तगू सुनी, और ये जो गुफ्तगू है ये चित्राल दास्तान के हवाले से, चित्राल दास्तान की किताब के हवाले से, और चित्राल दास्तान में ही वादी गिज़र का जिक्र इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने जो सफ़र इख्तियार किया था वो गिलगित से गाकूच और फिर गुपस और यासीन वैली और फिर फंडर और उस तरह दरेश दूर से फिर ये चित्राल की तरफ आए थे। तो ये जो इब्तदाई कुछ अबवाब हैं वो वादी गिज़र के हवाले से, और इसलिए उनका जिक्र हो रहा है। और क्योंकि जिस तरह कि आप जानते हैं कि अब हम शिंदूर पर बात कर रहे हैं, और शिंदूर के आगे जो है वो चित्राल है, और क्या ही खूबसूरत सरजमीन जो है उसका आगाज़ होगा अगली किस्त में। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज और इस वक्त हम एक ऐसा मौजू प्रोग्राम में जेरे बहस लाने लगे हैं जो उमूमी तौर पे नहीं सुनने को मिलता, मेरे लिए भी बतौर मेज़बानी एक नया मौजू था और बहुत अच्छा मौजू है। भाई अक्सर दफातर में हम अपने किसी साथी को, कुलीग को देखते हैं कि बड़ा गुमसुम रहता है, अपने आप में ज़्यादा रहता है, ख़ुद को तन्हाई का शिकार रखता है, ना किसी से मिलता है, ना कोई बात करता है, और अगर कोई बात पूछे तो बड़ा मुख्तसर सा जवाब दे के दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाता है, और ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने और सीखने के अमल से भी गाफिल ही है, उसके कोई गोल्स नहीं है, उसका दिल नहीं लग रहा, यहाँ पर झगड़ा कर रहा है। ऐसी तमाम बातें जब देखने में हमें आती हैं तो वो शख्स ऐसा शख्स होता है जिसको हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है, वो कहीं ना कहीं किसी मामले को लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे मूडी कहकर या अपने आप में गुम रहने वाला कहकर छोड़ देते हैं। तो हमने इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, कौन सी ऐसी अलामत हैं जो ऐसे शख्स के अंदर हम देखें तो उसे हम तवज्जो दें, और उसका हल क्या है, इस पर हमने इस पर हमने बात करनी है ऑब्वियसली कि इस सारी चीज़ की वजूहात क्या होती हैं और उसको इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल हो सकता है और को वर्कर्स का क्या रोल हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऑब्वियसली हम सबकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो हमारे ऑफिस में या हमारे इर्द-गिर्द एज अ कोवर्कर हमारे काम कर रहा होता है, बट स्टिल हम उसकी इस सारी चीज़ों को समझते हैं कि ये शायद इसकी नेचर का हिस्सा है या ये है ही ऐसा, लेकिन उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जी बिल्कुल, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि पहले आपने ख़ुद ही बता दिया कि अक्सर हम लोग समझते हैं कि अगर कोई शख्स चुपचाप है, अलग थलग है, लोगों में मिक्स नहीं होता, तो ये उसकी नेचर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, ये भी एक हद तक बात ठीक है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नेचर होती है, कुछ लोग ज़रा अलग थलग होते हैं, कुछ लोग ज़रा लोगों में घुलने मिलने वाले होते हैं। अब अलग थलग होने वाला जो भी शख्स है उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बहुत सारे कामों में एक्सेल करता है जो कि बाई नेचर अलग थलग रहने वाला शख्स है। इसी के अगेंस्ट कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, उनके अपने प्लस माइनसेस होते हैं। तो दोनों पर्सनैलिटीज ही अपने हिसाब से और अपने बीइंग इंडिविजुअल बिल्कुल ठीक होती हैं। अब अगर इससे बात करें कि जो वर्कर्स जो हैं जो कि एडजस्ट नहीं होते, बड़ा लोनली से वर्कर होते हैं, उनका जो एटीट्यूड और उनका बिहेवियर है वो इंट्रोवर्ट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है, यानी कि अलग थलग रहने वाले लोगों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। एक तो वो जाहरी बात है वो अलग थलग तो रहेंगे, ये तो उनमें कॉमन इंडिकेटर होगा कि, लेकिन वो अलग इस तरह से रहेंगे कि जब उनकी सुजेशन पूछी जाए या किसी वर्क में उनको इन्वॉल्व किया जाए तो वो ज़रा रिलक्टेंस शो करेंगे, वो आम तौर पर हमें दिखने में लगेगा कि ये इतने इन्वॉल्व इसमें नहीं है। उसके अलावा उनकी कोवर्कर से बातचीत
ज़्यादा नहीं होगी। अब इंसान है, दो इंसान अगर कहीं वर्क करते हैं तो ये नेचर है इंसान की कि उन्होंने काम के अलावा भी कोई आपस में सोशलाइज करना है। दिस इज नेचर, ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा ना हो। लेकिन ये जो लोनली वर्कर होते हैं, ये अगर काम में थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हो तो देखा गया कि को वर्कर के साथ जो इनकी एक सोशल कर्टसीज होती हैं, जो सोशल नाइसिटीज होती हैं, ये उनमें इन्वॉल्व नहीं होते। और उस जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इनकी सेहत पे पड़ता है और काम की जो प्रोडक्टिविटी है और काम की क्वालिटी पे पड़ता है। आप देखेंगे एक लोनली वर्कर है, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी ना हो, मान लिया जाए कि ऐसा बंदा जो कि बाय द वे पॉसिबल ही नहीं है कि आजकल किसी को स्ट्रेस ना हो, लेकिन फर्ज करें मान लिया जाए एक ऐसा शख्स जिसको लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको सिर्फ वर्क प्लेस पे वो लोनली है, इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से उसकी लाइफ की सारी क्वालिटी खराब हो जाएगी, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है। इसका अलियजमल डिफरेंस कैसे करेंगे जो आप बता रहे हैं कि एक शख्स इंट्रोवर्ट है या शर्मीला है या अपने आप तक महदूद रहने वाला है और एक शख्स है जो साइकोलॉजिकली किसी डिसऑर्डर का शिकार है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसका फर्क कैसे करें हम वर्क प्लेस के ऊपर? देखिए, एक तो जो इंट्रोवर्ट है उसमें तो वो नॉर्मली अपना काम कर रहा है, वो काम में अपनी आउटपुट दे रहा है, इनपुट भी दे रहा है, उसके बाद वो प्रोडक्टिव है, वो नॉर्मल, उसमें एक उसका मिजाज का फर्क है कि वो ज्यादा बोलता नहीं है, फर्ज करें कम गो है, वो लोगों में ज्यादा कोई पार्टीज में नहीं जाता, अदरवाइज वो शख्स खुश है, वो अपनी जो इंट्रोवर्ट एक्टिविटीज है उसमें वो बड़ा उसका दिल लगा हुआ है, बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन ये जो लोनली वर्कर है जिसको जो कि तन्हा है, इसका मसला सबसे बड़ा है कि ये एडजस्ट नहीं कर रहा, वो काम में अपना इनपुट दे नहीं रहा या दे नहीं पा रहा। अब इसमें दूसरी बात, जैसे कि आपने डिसऑर्डर की बात की, तो देखें हर एक चीज जो होती है, जो भी हमारा थोड़ा बहुत बिहेवियर में हमारे अप्स एंड डाउन होते हैं, वो हर कोई चीज जो है वो डिसऑर्डर या बीमारी नहीं होती। आमतौर पे हमने देखा है कि अगर किसी को थोड़ा सा कोई शख्स परेशान है, हम फौरी तौर पे उसको डिप्रेशन वो लेबल कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर अली, ऑब्वियसली अब इस हवाले से ये रीजंस आपने बताए, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, फिर इंडिविजुअल लेवल पर भी, और जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं उनका क्या रोल बढ़ जाता है इसमें? देखें सबसे पहले तो अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें, क्योंकि ज्यादातर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे आयद होती है और ऑर्गेनाइजेशन ही इसकी जो है वो एंड सफरर भी होती है और उसको इसका फायदा भी होता है। अगर वर्कर्स जो हैं वो ठीक काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही इसका फायदा होगा। अब इसमें देखा यह गया है कि आमतौर पर जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो आमतौर पर इंप्लॉयज की ऐसी जो नीड्स हैं उनको केटर नहीं करती, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता। हमने आमतौर पर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं उनमें बड़ा एक सा स्टाइल होता है और वो बिल्कुल ट्रेडिशनल काम करते हैं कि और इंसेंटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें ये जो काम को जो माहौल है उसको खुशगवार बनाना कि जो इंप्लॉयज हैं वो खुश रहें, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती। हालांकि देखने में ये आया कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सारे इस बात पर एग्री हैं कि अगर वर्क प्लेस पर इंप्लॉय खुश होगा तब वो अपना बेस्ट इनपुट देगा, उसकी वजह से फिर काम की जो क्वालिटी है और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। इसमें सबसे जरूरी चीज़ ये है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है वो कंड्यूसिव करना चाहिए और इस तरह से कि जिससे इंप्लॉयज की सेहत ठीक रहे। अब आप इसमें देखें कि हमने देखा ये गया कि इंप्लॉयज की काउंसलिंग जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई मौजूद नहीं है, कोई भी पैमाने ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग कि हम इंप्लॉयज को सिखा सकें कि अगर आपको छोटी मोटी लाइफ में मसले आ गए हैं को वर्कर के साथ, जैसे आपने बात की उनके साथ चीजें आ गई। थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारे पास कम, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो मुख्तलिफ रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आपके आसपास अगर कोई आपका कोवर्कर इस तरह का है तो उससे पूछिए, जरूर डिस्कस कीजिए, इससे उसको फायदा हो सकता है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, और अब कुछ एक्सप्रेस और टैलेंट से आपको मिलवाने का वक्त हुआ चाहता है। आपको मालूम है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट के तलबा भाई बहुत कमाल करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। साइंस और इंजीनियरिंग के मैदान में इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। नस्ट के तलबा को पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार बनाने का एजाज भी हासिल है। इसके अलावा नस्ट के तलबा ने एक और फार्मूला कार अभी बना डाली है और ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है, उसी के तहत ये गाड़ी बनाई गई है। ये टीम जर्मनी और ऑस्ट्रिया और यूके में क्वालिफाई करने वाली पहली एशियन टीम भी है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो हमने सोचा कैसे कैसे हो सकता है
सकता है कि कोई बहुत अच्छा करे पाकिस्तानी हो, स्टूडेंट हो और वो एक्सप्रेस हो। बिल्कुल, हमारे साथ अब्दुल रहमान और आयशा कुद्दूस मौजूद हैं, इन्होंने इस टीम का हिस्सा है जिन्होंने फार्मूला का बनाई है। सबसे पहले तो आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान एंड आयशा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इस कार के हवाले से बताएं, आई गेस 2012 में आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के तहत कार बनाई थी और फिर फर्दर आपने इसको परसू भी किया। अपनी टीम और इस जर्नी के हवाले साथ इस जर्नी के हवाले से हमारे साथ शेयर करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। सेकेंडली, नस फार्मूला स्टूडेंट टीम बेसिकली पायनियर है फार्मूला स्टूडेंट कल्चर की इन पाकिस्तान। सो आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू आवर फाउंडेशन, बैक टू द ईयर 2012, जब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो इसे परसू करना चाहते हैं एज देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और दिन रात मेहनत की उन्होंने इस पर। उसके बाद जब एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ तो उन्हें ख्याल आया कि हम क्यों ना इसे इंटरनेशनल लेवल्स पे प्रेजेंट करें। तो इट वॉज देन जब उन्होंने एक टीम फॉर्मुलेट की, अपने प्रोजेक्ट को इम्प्रोवाइज किया एंड दे फाइनली सक्सीडेड इन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तब से हमारी ये लेगेसी चलती आ रही है एंड दिस ईयर वी हैव रोल्ड आउट आवर 8th कार प्राउडली। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। की जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत अमेजिंग है। और आपके इंस्टीट्यूशन की भी हम हमेशा ये कहते हैं। अगर अब्दुल रहमान आपसे मैं पूछूं कि आपने ये 8th मॉडल है या 8th वेरिएंट है जो आप लेकर आए हो सामने, क्या डिफरेंस है 2012 से लेकर 2022 तक, क्या इम्प्रोवाइजेशन हुई है अब तक फॉर्मूला 1 इस पाकिस्तान में गाड़ी को? बेसिकली हम लोग हर साल जो है इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, हम अपने पास्ट की जो गलतियाँ होते हैं उनसे सीखते हैं और जो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट होता है वो पिछले से बहुत बेहतर होता है। तो हमने इस बार वेट रिडक्शन की है, हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड है, हमारी गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बेहतर है, तो इट्स बेटर ओवरऑल। तो ये इलेक्ट्रिक है जो आपने बनाई है? नो, इट्स अ कंबस्शन व्हीकल। ओके, कंबस्शन व्हीकल। अच्छा, ये भी बताएगा ऑब्वियसली जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2012 से अब तक 8 वेरिएंट आप गाड़ी के बना चुके हैं, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आपने इंटरनेशनली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको रिप्रेजेंट भी किया, बट स्टिल आप स्टेट लेवल पर आपकी यूनिवर्सिटी के अलावा किसी ने आपसे राबता किया कि आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है जो आप फॉर्मूला कार के 8 वेरियंट्स बना चुके हैं और स्टिल उस पर अभी तक स्टेट लेवल पर क्या हेल्प या किस तरह की कोई इंकरेजमेंट आपको मिली है? यस, वी आर लुकिंग फॉर दैट। बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, जो हमें स्पॉन्सर करते हैं, जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक डेस्कॉन हैव सपोर्टेड अस, पीएसओ हैव सपोर्टेड अस, मिनहार्ट हैव सपोर्टेड अस। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट इन पाकिस्तान टू गेट स्पॉन्सर्स लाइक दिस, सो वी रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट, देयर और ज़्यादा जो कॉर्पोरेट साइड है उसको आपके साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल साइड पे आ जाते हैं, सिंस आयशा यू हैव टोल्ड अस कि हम आपका जो 8th वेरिएंट है और उससे पहले भी आप इसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी लेके जा चुके हैं, एंड वी रिमेंबर कि इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो आप ये जो आपका 8th वेरिएंट है, इसका क्या स्टेटस आप देख रहे हो इंटरनेशनली और आने वाले वक्त में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फार्मूला को लेकर? ओके, सो अभी हमारी जो कार है वो पूरी तरह से रेडी है और हमने उस पर बहुत टेस्टिंग की है, विगरस टेस्टिंग की है हर तरह से। जैसे कंपटीशन में स्टैटिक इवेंट्स होते हैं उसमें वो इंश्योर करते हैं कि आपने उनके रूल्स को कंप्लाई किया है या अच्छा। नहीं, और सारी चीज़ें वो टेस्ट करते हैं, तो वो सब कुछ हम अपने पास कर चुके हैं। okay. उसके बाद आता है डायनामिक इवेंट। डायनामिक इवेंट में ये होता है कि गाड़ी एक्चुअली रेस ट्रैक पर उतरती है, तो जब इंस्पेक्शन क्लियर होती है उसके बाद ये होता है, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस अपने पास करके देख चुके हैं। हमने ओवर 70 किलोमीटर्स इसको चलाया है पाकिस्तान में और जो भी मसले आने थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब हम फिक्स कर चुके हैं। सो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, उम्मीद तौर पे हमारे पास जो गाड़ियाँ नॉर्मली जो गाड़ियाँ आती हैं वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज होती हैं, देयर आर सम जर्मन टेक्नोलॉजी की गाड़ी, जापानीज टेक्नोलॉजी, इस तरीके से है। तो ये जो फार्मूला आप लोग बना रहे हैं इसको हम क्या टेक्नोलॉजी कहेंगे? और दूसरी बात ये भी है कि इसकी लागत कितनी है, क्या इसका आने वाले वक्त में कोई कमर्शियल इस्तेमाल भी हो सकता है? आई मीन फॉर द पर्पसेस दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है फार्मूला का। जी, इसको हम कमर्शियली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एज अ रेस कार, सो पाकिस्तान के अंदर इसका इतना स्कोप नहीं है, लेकिन हम इसको कमर्शियली प्रेजेंट कर सकते हैं। और इट्स ऑफ कोर्स कॉस्टली, इट वर्थ अस अबाउट 7 मिलियन यू कैन से। अच्छा, सो इट्स अ कॉस्टली प्रोजेक्ट। सो फर्दर आप लोगों का क्या प्लान है आयशा? इसको आपने अब ऑब्वियसली 8 वेरियंट्स आ गए, आगे क्या इसमें मॉडिफाई करना है, इसको क्या प्रोजेक्ट है जिसपे आप लोग काम कर रहे हो?
ओके, सो एज यू नो कि दुनिया जो है वो ट्रांजिशन की तरफ जा रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो अब हमारा भी यही है कि हमने नियर फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल लानी है अपनी, और उसके बाद नेक्स्ट गोल हमारा है कि हमने उस पर इंटेग्रेट करनी है ड्राइवरलेस व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी जो बगैर ड्राइवर के चले विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड ऑल. सो वी गोना हैव अ लोकल टेस्ला. करंटली हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह. और आप लोगों की इंस्पिरेशन कौन है, किससे इंस्पायर्ड है आप ज्यादा? F1 and motorsports like that. Yeah, definitely. There is also a driverless competition going on. यार बहुत ही जबरदस्त है, कम से कम आप. और मैं ये जानना चाहूँगी इनकी टीम में और कितने मेंबर हैं आयशा और अब्दुल रहमान? जो आपको देख रहे होंगे अभी. There are about 35 members on our team. तो अगर मैं कुछ आपके रोल की बात करना चाहूँ टीम के अंदर, यानी कि आयशा का क्या रोल है, अब्दुल रहमान का क्या रोल है, या बाकी किसी और का आपको आप मेंशन करना चाहें दिस इंटरव्यू, तो यू वेलकम. ओके, सो मेरा रोल बेसिकली ये है कि आई एम लीडिंग द टीम जो ड्राइवरलेस गाड़ी पे काम कर रही है फॉर द फ्यूचर. और मैं जो हूँ अपना व्हीकल डायनामिक्स डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ. ठीक हो गया. अच्छा एक सवाल है जो आजकल हमारी सिचुएशन है पेट्रोल और फ्यूल को लेके, आई वांट टू नो कि इसकी एवरेज का क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा इसके डायनामिक्स को इस तरह भी एक्सप्लेन कर पाए आप हमारे लिए. सो इट्स ऑब्वियसली अ रेस कार, सो इट विल बी कंज्यूमिंग मोर फ्यूल. ओके, तो हमारी जो गाड़ी है अबाउट 7 किलोमीटर्स पर लीटर. ओके, इवन देन नॉट बैड, इट गोस टू 7 किलोमीटर्स. चले बहुत ही जबरदस्त बात है, और आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों आए, आयशा कुद्दूस एंड अब्दुल रहमान, और आपकी टीम को भी बहुत ज्यादा बेस्ट विशेज है हमारी तरफ से. और जिस तरह के आपके प्लान्स है भाई ड्राइवरलेस कार एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वैसे हमारे स्टूडेंट्स इस पे सोच रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट्स नहीं सोच रही कि हमें इस वक्त क्रिएटिव एनर्जी सपोर्ट करने ज्यादा अपने लेवल पे इनके प्रोजेक्ट्स को आगे बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिल हमारा पेट्रोल डीजल का बन रहा है, तो कुछ अल्टरनेटिव ले, अभी तक तो चार्जिंग स्टेशंस ही नहीं है. उस दिन भी हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी. और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आयशा एंड कुद्दूस, आप आयशा कुद्दूस एंड अब्दुल रहमान दोनों हमारे साथ मौजूद थे. और नेक्स्ट वी हैव बड़ा इंपॉर्टेंट एक आज बर्थडे है, हमने उसकी जानिब जाना है. डू वी हैव इट राइट नाउ? ब्रेक लेते हैं, अभी हमने ब्रेक लेनी है. चलिए ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बताते हैं आपको किसकी सालगिरह. वेलकम बैक टू एस्प्रेसो. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक अहम तरीन शख्सियत की, कि उनको हमने सालगिरह की मुबारक देनी है, वो आज हमें मौजूद नहीं है. हम बात करें जी अजीम तरीन दानश्वर, अफसाना निगार, दास्तान गो और मेज़बान जनाब अशफाक अहमद साहब की. बहुत ही कम शख्सियात दुनिया में ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका नाम ही काफ़ी है, तो बाबा जी अशफाक अहमद साहब का नाम ही काफ़ी. आज ही के दिन 1925 में इंडियन पंजाब में उस वक्त थे पैदा हुए, और 79 ईयर्स की एज में 22 अगस्त 1925 को पैदा होने वाले 7 सितंबर 2004 में अशफाक अहमद साहब उनका इंतकाल हुआ. और हम अगर आपके बेहतरीन तख्लीक किए गए अफसानों की या किताबों की बात करें, तो उसमें ख़ास तौर पर इनका जो प्रोग्राम था तलकीन शाह रेडियो पाकिस्तान के ऊपर, उसको अवाम में बहुत पजीराई हासिल थी. उसके साथ एक मोहब्बत सौ अफसाने, गडरिया, तोता कहानी, मन चले का सौदा और जाविया ऐसी तसानीफ है जो कि अशफाक साहब की पहचान है, और खिदमात सर अंजाम देते रहे पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान से भी अपनी वफात तक कह लें कि वो वापसता रहे, और अब भी उनकी जो मुख्तलिफ तसानीफ हैं हमारे लिए मशाल राह हैं. सो अशफाक अहमद साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे आज की साल. चलिए जनाब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते लोग गुलकार साईं जहूर के हवाले से बताएं, कुछ सोशल मीडिया पर कल खबरें गर्दिश कर रही थी कि किसी कॉन्सर्ट में अल्लाह ना करे उनके साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया, उनकी तबीयत गिर गई थी, हाँ नासाज हुई थी, और उनको लंदन के एक हॉस्पिटल में एक दिन गुजारने के बाद वो पूरी तरह सेहतयाब होकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और स्टेज पर अचानक गिर गए थे. उसके बाद उनको जो इंतजामिया ने हॉस्पिटल पहुंचाया जहाँ पे उनका प्रॉपर मुआयना हुआ, और उसके बाद फैंस के लिए ताज़ा तरीन वीडियो है वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है. इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान. इसी नोट पर प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह.